नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं फॉरेस्ट मेजरमेंट के अंदर डायमीटर मेजरमेंट के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने फॉरेस्ट मेजरमेंट के अंदर हमने हाइट मेजरमेंट क्या होता है उसके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया था। उसके अंदर हमने दो मेथड के बारे में विस्तार से पढ़ा था जो कि हमारे कंपटीशन एग्जाम और थ्योरी एग्जाम के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसके अंदर एक मेथड बाकी है इंस्ट्रूमेंटल मेथड, वो हम कभी बाद में पढ़ेंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं डायमीटर मेजरमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। डायमीटर होता है इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसी को बोलते हैं ग्रिथ। क्या बोलते हैं इसी को? जो डायमीटर होता है डायमीटर को एक और नाम से जाना जाता है, GIRTH। ग्रिथ को बोलते हैं परिधि और डायमीटर को हम बोलते हैं हिंदी के अंदर व्यास के नाम से जाना जाता है। तो दोनों का जो मेथड होता है वो लगभग सेम होता है और एक ही प्रकार के इसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट का काम में लेते हैं, तो हम दोनों को साथ में देखते हुए चलेंगे। तो डायमीटर मेजरमेंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ने से पहले हम आज एक महान पुरुष को याद कर लेते हैं। आज हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है, उनको हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनके द्वारा एक नारा दिया गया था, जय किसान जय जवान जय किसान नारा दिया गया था, उसी को हम साकार करते हुए कृषि के क्षेत्र में हमारा महत्वपूर्ण जो योगदान है वो हम अपनी तरफ से पूरी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा जो आज का सेशन है डायमीटर मेजरमेंट उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं जो डायमीटर मेजरमेंट हम करते हैं किसी भी वृक्ष का वो क्यों करते हैं, उसके पीछे का हमारा उद्देश्य क्या होता है। तो जो इसका जो पीछे का जो प्रमुख उद्देश्य हुआ है, उद्देश्य हमने जब फॉरेस्ट मेजरमेंट देखा था तब उसके चार उद्देश्य देखे थे। उसमें से हमने देखा था, एक उद्देश्य देखा था फॉर वॉल्यूम, ठीक है ना। किसी भी वृक्ष का अगर हमें आयतन निकालना होता है, तो आयतन निकालने के लिए हमें दो चीज़ की आवश्यकता होती है। वॉल्यूम को हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? आयतन के नाम से जानते हैं। और आयतन से ही हमें किसी भी वृक्ष से पता चलता है कि उसका कितना आयतन है, उसके अंदर कितना वजन होता है, और उसी के आधार पर हमको इकोनॉमिकल जो बेनिफिट होता है वो उसी के वॉल्यूम के आधार पर ही हमको इकोनॉमिकल बेनिफिट मिलता है। या किस वृक्ष का कितना वॉल्यूम है वो हो गया, और उसकी क्वालिटी कितनी है उसके आधार पर ही हमको इनकम की प्राप्ति होती है। तो जनरली किसी भी वृक्ष के अंदर अगर हमें वॉल्यूम निकालना होता है तो उसके लिए हमें दो चीज़ की आवश्यकता होती है। यानी कि हमें मान लीजिए एक लकड़ी का लट्ठा दे रखा है, ये हो गया हमें हमारा मान लीजिए लकड़ी का एक लट्ठा होगा, ठीक है ना, कटा होगा। अगर आपने पुष्पा मूवी देखी है तो पुष्पा मूवी के अंदर कई सारे चंदन के जो लाल चंदन होता है उसके इस प्रकार के कई लट्ठे होते हैं। तो इस लट्ठे का अब हमको क्या निकालना, आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना होता है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें दो चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला तो हमें पता होना चाहिए इसका जो व्यास कितना है, जो ये वाला जो पूरा यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम व्यास, डायमीटर कहते हैं। तो हमें डायमीटर भी पता होना चाहिए तब जाकर हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और एक पता होना चाहिए हमें जो लकड़ी का जो लट्ठा दिखाई दे रहा है आपको, इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है। अगर ये दोनों हमें, एक तो हाइट और एक अगर हमें डायमीटर पता है, तो हम किसी भी चीज़ का वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं। और उसका सूत्र होता है, उस सूत्र के अंदर मान रखा वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसके डायमीटर मेजरमेंट निकालने का जो पीछे का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम हमें निकालना होता है, उसकी वॉल्यूम के अंदर उसकी कितनी गुणवत्ता है, तो उससे हमें जो भी आर्थिक फायदा होने वाला वो हमें अच्छे से प्राप्त होगा और कैलकुलेशन के अंदर भी वो सही रहता है, ठीक है ना। तो ये होता है इसका प्रमुख उद्देश्य, ये हमको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसके अंदर जो हम डायमीटर मेजर करते हैं, डायमीटर मेजरमेंट करते हैं हम फॉर ट्री का, तो उसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, जनरल इन्फॉर्मेशन इसकी पता होनी चाहिए। इसके अंदर हम जनरल इन्फॉर्मेशन क्या होगी उसके बाद में इसके मेथड के ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो डायमीटर मेजर करते हैं हम किसी भी वृक्ष का, उसके पीछे के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम उन कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से पता है तो हम डायमीटर मेजर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक बात हमेशा याद रखना, जो डायमीटर हम मेजर करते हैं वो वृक्ष का कहीं से भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं सबसे पहले साइड में यहाँ पर एक छोटा सा वृक्ष बना देता हूँ, ये वृक्ष हमारे लास्ट तक काम आएगा, ठीक है ना। ये मान लीजिए मैंने इस प्रकार से वृक्ष बना दिया, ठीक है ना, ये एक हमने वृक्ष बना रखा है और इसके बीच में कई सारी इस प्रकार से शाखाएं निकली हुई है, ठीक है ना, इसके अंदर भी इस प्रकार की कई शाखाएं निकली हुई है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डायमीटर मेजर कर रहे हैं किसका, इस पूरे वृक्ष का डायमीटर मेजर कर रहे हैं। तो अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हम इस वृक्ष का डायमीटर कहाँ से मेजर करें, क्योंकि हो सकता है मेजर तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, हो सकता है अगर हम चाहें तो जमीन की सतह से भी कर सकते हैं, बीच में से भी कर सकते हैं, इस भाग से भी कर सकते हैं, कोई सी शाखा से भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जो टिम्बर की जो प्राप्ति हो रही है वो पूरे ओवरऑल वृक्ष से प्राप्त हो रही है। और वो टिम्बर के रूप में अगर हमें लकड़ी का लट्ठा प्राप्त हो रहा है तो लकड़ी का लट्ठा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो उसके लिए हम जो ये मेजर करते हैं डायमीटर वो किस जगह से करें, तो वो किस जगह से करते हैं उसका हमको पता होना चाहिए। सॉरी साथियों, वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो हम पढ़ रहे थे डायमीटर मेजरमेंट, ठीक है ना। तो डायमीटर हम वृक्ष का कहीं से भी निकाल सकते हैं, चाहे हम जमीन के सतह से निकालें, बीच में से निकालें तने के, या फिर हो सकता है हम जहाँ से पोलार्डिंग की क्रिया करते हैं उस भाग से निकालें, या फिर कोई सी शाखा से निकालें। तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा डायमीटर आता है वो अलग अलग तरह का आता है। तो उस केस में हमें जो वॉल्यूम की जो सही हमें बेनिफिट मिलना चाहिए था उसको बेचने के बाद में, तो वो वॉल्यूम हमें सही, उसके वॉल्यूम का जो वैल्यू आता है वो सही नहीं आ पाता है, और उसकी वजह से हमें इकोनॉमिकल जो लॉस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उसके लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा और अलग अलग देशों के द्वारा एक स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स किया गया, और वहीं से हम डायमीटर मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो
विश्व के अनेक देशों व संगठनों के द्वारा एक स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स की गई और उस स्टैंडर्ड वैल्यू के आधार पर ही एक ही जगह से हम किसी भी वृक्ष के तने का हम व्यास निकालते हैं, डायमीटर का मापन करते हैं। ये हमको पता होना चाहिए वो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो डायमीटर मेजरमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स की गई थी, डायमीटर मेजरमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स की गई थी वो कितनी की गई थी, तो वो हमको याद रखना, वो की गई थी 1.37 मीटर, ठीक है ना। यह स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स की गई थी, यानी कि हमें अगर वृक्ष के तने का अगर हमें व्यास निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू पर हम स्टैंडर्ड वैल्यू निकालेंगे, यानी स्टैंडर्ड वैल्यू के आधार पर ही हम तने का मापन करेंगे। अब स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है, 1.37 होती है। अब ये जमीन लेवल, यहां से जमीन जो ग्राउंड लेवल है ट्री का, वहां से लेकर जहां तक हम स्केल की सहायता से, इंच टेप की सहायता या फीते की सहायता से हम क्या करेंगे, जहां पर तने की जो लंबाई है वो 1.37 जहां पर खत्म हो रही, मान लीजिए तने की जो यहां इस वाले पॉइंट पर 1.37 मीटर आ रहा है, 37 मीटर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू होगा। और अब हम क्या करेंगे, इस वाले जो यहाँ तक जो वैल्यू आ रही है इसको हम किसी पेन की सहायता से, स्केल की सहायता से यहाँ पर एक निशान बना देंगे और इसी निशान पर हम क्या करेंगे, इस तने का व्यास का मापन करेंगे, ठीक है ना। अब ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू में क्या किया जाता है, एक बात हमेशा याद रखना, इसके अंदर अगर हम किसी भी मेथड से हम अगर व्यास का मापन कर रहे हैं उसके लिए जो वैल्यू रखी जाएगी वो यही वैल्यू रखी जाएगी, यानी कि हम इसी जगह से विधि कोई से भी हो लेकिन उसका जो आधार रखा जाएगा मापन का वो एक ही आधार रखा जाएगा और वो होगा 1.37 मीटर होगा, ठीक है ना। और जिन देशों और संगठनों के द्वारा ये मान्यता मिल चुकी है इस वैल्यू को, वहां पर ये अपनाया जाएगा। अगर किसी देश के अंदर कोई और वैल्यू होती है तो उस देश के अंदर वो अलग वैल्यू होगी, लेकिन विधि कोई सी भी होगी लेकिन उसका जो आधार रहेगा वो 1.37 मीटर ही रहेगा, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात आप हमेशा याद रखना है कि जो उसका आधार रहेगा वो 1.37 मीटर रहेगा और इसी वैल्यू को एक स्टैंडर्ड वैल्यू के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। अब इस स्टैंडर्ड वैल्यू को और क्या कहा जाता है, तो जो ये स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है, इस स्टैंडर्ड वैल्यू को ब्रेस्ट हाइट कहते हैं। एक आपने टर्म पढ़ा होगा, ब्रेस्ट हाइट, ठीक है ना। ब्रेस्ट हाइट किसे कहते हैं, तो ब्रेस्ट हाइट उसी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है इसी को ब्रेस्ट हाइट के नाम से जानते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उसकी जमीन सतह से लेकर 1.37 मीटर तक की जो ऊंचाई होती है उस ऊंचाई को ब्रेस्ट हाइट के नाम से जानते हैं। और इसको शॉर्ट के अंदर BH के नाम से भी जानते हैं या फिर इसको DBH भी कहते हैं। क्या कहते हैं, DBH, ठीक है ना। इसको शॉर्ट के अंदर ब्रेस्ट हाइट BH भी कहते हैं और कई कई जगह इसको DBH भी लिखा जाता है। DBH का पूरा नाम हो जाएगा डायमीटर ब्रेस्ट हाइट होता है। और ये न्यू टाइप के अंदर प्रश्न पूछा हुआ भी है कि DBH का पूरा नाम क्या होता है, क्या नाम होता है, तो इसका पूरा नाम होता है डायमीटर ब्रेस्ट हाइट, इसका पूरा नाम होता है, ठीक है ना। इतना उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लेना कि किसी भी वृक्ष के भूमि सतह से 1.37 तक की जो ऊंचाई होती है तने की, उस ऊंचाई को हम ब्रेस्ट हाइट के नाम से जानते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। अब ब्रेस्ट हाइट कितनी होती है, अगर हम नॉर्मली देखा जाए तो जो नॉर्मली हमारा जो ब्रेस्ट किसको कहते हैं, हम जो छाती होती है हमारी, उस छाती को हम क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोलते हैं। या फिर हमारा जो शोल्डर होता है, यहां तक की जो ऊंचाई होगी किसी भी वृक्ष की, उस ऊंचाई को हम ब्रेस्ट हाइट के नाम से जानते हैं। अगर हमें हमारे पास स्केल ये नहीं है तो हम किसी भी वृक्ष के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे और यहां तक की जो ऊंचाई होगी उस ऊंचाई पर हम किसी भी सहायता से मार कर देंगे, चिन्ह लगा देंगे और वहां से हम इसका डायमीटर मेजर कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू के नाम से जानते हैं, इसी को ब्रेस्ट हाइट के नाम से जानते हैं और इसको शॉर्ट में ब्रेस्ट हाइट को BH और DBH के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है ना। ये होता है। और ब्रेस्ट हाइट से का जो एरिया होता है, यानी कि मान लीजिए यहां तक ये आ रही थी हमारी ब्रेस्ट हाइट आ रही थी, ठीक है ना। 1.37 को हम क्या कहते हैं, ब्रेस्ट हाइट के नाम से जानते हैं। तो यहां तक का जो ऊंचाई होगी, इस ऊंचाई का जो एरिया होगा, यानी कि अब इसको हमने कट कर लिया, कट करने के बाद में मैं इसको इधर थोड़ा इस प्रकार से दर्शा रहा हूं, ठीक है ना। ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया और ये ऊपर वाला जो कटा हुआ भाग था इसको हमने हटा दिया और ये वाला भाग बच गया। अब इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगा। अब ये जो ये वाला जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जो मैंने रेड कलर से ये आपको इसको लाइन बनाई है, आड़ी और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो लाइन बनाई है, इस एरिया को क्या कहा जाता है, तो इस एरिया को कहा जाता है बेसल एरिया कहा जाता है। इस एरिया को क्या कहा जाता है, तो बेसल एरिया कहा जाता है। इसकी ये भी एक प्रमुख टर्मिनोलॉजी है, इसकी डेफिनेशन भी आप लिख लेना। ब्रेस्ट हाइट के पास का जो कटा हुआ जो भाग होता है, उस कटे हुए भाग को हम बेसल एरिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बेसल एरिया के नाम से जानते हैं। और यहीं से हम क्या करते हैं, यहीं से फिर हम क्या करते हैं, यहां से हम डायमीटर का मेजर कर लेते हैं और जो भी इसका वैल्यू आता है वो हम अपने नोटबुक के अंदर लिख लेते हैं। और जो कैलकुलेशन होती है वो कैलकुलेशन करने के बाद में हमें लास्ट में जाकर हमें किसी भी जो लट्ठा होता है उसका हमें एक वॉल्यूम पता चल जाता है, ठीक है ना। ये होता है हमारा बेसल एरिया और एक होता है ब्रेस्ट हाइट। अब इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब हम इसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर जो ये ब्रेस्ट हाइट होती है इसके बारे में हमें कुछ और एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब मैं ये जो ब्रेस्ट हाइट है, ये ब्रेस्ट हाइट के बारे में चार पांच जो नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको पता होनी चाहिए।
हम कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन की बात करें तो जो ब्रेस्ट हाइट है, यानी कि ऐसे भी पृथ्वी पर ऐसे कुछ देश है जो इस ब्रेस्ट हाइट की जो ऊंचाई होती है 1.37 मीटर, यही प्रीफर करते हैं। तो जो ये ब्रेस्ट हाइट की जो ये ऊंचाई होती है, ये जो ऊंचाई होती है, इस ऊंचाई को यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी मान्यता दी जा चुकी है। भारत सरकार भी हमारे जो देश इंडिया के अंदर जो व्यास का मापन किया जाता है वो किस ऊंचाई पर किया जाता है, तो वो 1.37 मीटर की ऊंचाई पर किया जाता है। लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी इसको मान्यता दे रखी है, वो उसके बारे में हमको पता होनी चाहिए। तो विश्व के अनेक कई सारे संगठन है जिसके अंदर आता है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने इसी वैल्यू को मान्यता दे रखी है कि हम अगर किसी भी वृक्ष का हमें व्यास का मापन करना है तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन के अंदर तो वो कौन सा वैल्यू मापन करेंगे, 1.37 मीटर ही ये काम में लेंगे उपयोग में व्यास मापन के लिए, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त यूनाइटेड नेशन के अलावा भारत हो गया, ठीक है ना, भारत हो गया, भारत का पड़ोसी देश हो गया बर्मा, इंडोनेशिया, भारत हो गया, बर्मा हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है ना, भारत, बर्मा, इंडोनेशिया, इसी के साथ हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, भारत, बर्मा, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, और इसके अतिरिक्त हो जाएगा एक हमारा हो जाएगा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका हो गया, और इसके अतिरिक्त हो जाएगा हमारे भारत हो गया, बर्मा हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, और आदि आदि देशों के अंदर अगर किसी भी वृक्ष का व्यास का मापन करना है तो वो कौन सा ऊंचाई प्रीफर करेंगे, तो 1.37 मीटर ऊंचाई प्रीफर करेंगे। ये सभी देश मिलकर इन सभी देशों के अंदर जो व्यास का अगर मापन किया जाता है किसी भी वृक्ष का, तो उसके लिए जो ऊंचाई प्रीफर की जाती है वो 1.37 मीटर की जाती है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये हमको पता होना चाहिए। और कुछ देश ऐसे भी है जहाँ पर 1.3 मीटर स्टैंडर्ड वैल्यू की जाती है, वो भी हम आगे देखेंगे। अगर इसको हम फीट की बात करें, जो 1.37 जो मीटर, या तो वैल्यू मीटर में अगर हम फीट की बात करें तो कितना होता है फीट के अंदर, तो ये होता है 4 फीट 6 इंच, ठीक है ना। अगर आपको फीट के अंदर भी वैल्यू पूछी जाती है तो ये होती है 4 फीट 6 इंच होती है, ये हमको याद रखना है। और कई देश ऐसे भी है, नोट डाल के यहाँ लिखना, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको एक साथ में ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो आप इसको साथ साथ में नोट्स अच्छे से बनाते चलना, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ देश ऐसे भी हैं जो स्टैंडर्ड वैल्यू के रूप में 1.37 की जगह केवल लेते हैं 1.3 लेते हैं, क्या लेते हैं, 1.3 लेते हैं, वो भी हमको याद रखना। तो कुछ देश ऐसे भी हैं जो स्टैंडर्ड जो वैल्यू है वो कितने लेते हैं, 1.3 मीटर लेते हैं, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना, 1.3 मीटर लेते हैं। और ये कौन कौन से देश लेते हैं, तो एक तो हो जाएगा हमारा FAO, जो हमारा खाद्य एवं कृषि संगठन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय इटली रोम के अंदर बना हुआ है। एक तो FAO प्लस यूरोपियन संघ, ठीक है ना, यूरोपियन संघ, इनके अंदर अगर किसी वृक्ष का व्यास का मापन करना है तो वो 1.37 मीटर की जगह लेंगे, 1.3 मीटर लेंगे, ये हमको पता होना चाहिए। और ये जो यूरोपियन संघ है जो ये वैल्यू लेता है, ये वैल्यू पूछा गया भी है कंपटीशन एग्जाम के अंदर, प्रश्न पूछा गया भी है कि यूरोपियन संघ के द्वारा या यूरोपियन यूनियन के द्वारा व्यास मापन के लिए कौन सा स्टैंडर्ड वैल्यू काम में लिया जाता है, तो वो लिया जाता है 1.37 मीटर काम में लिया जाता है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और इसी के साथ में याद रखना, अगर इसकी हम फिट की बात करें तो ये हो जाएगा 4 फिट 3 इंच, कितना हो जाएगा 4 फिट 3 इंच, ये हो जाएगा इसके वैल्यू, ये हमको पता होना चाहिए। ये होता है डायमीटर से रिलेटेड कुछ जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है वो हमको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त और भी इन्फॉर्मेशन है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, एक बार आप फटाफट इसका रिविजन कर लीजिए। पहला होता है डायमीटर मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सी रखी गई है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन के अंदर, तो वो रखी गई है 1.37 मीटर रखी गई है, इसको फिट के अंदर 4 फिट 6 इंच होती है। और इसी को क्या बोलते हैं, 1.37 को क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट हाइट के नाम से जाना जाता है। ब्रेस्ट हाइट क्या होती है, तो किसी भी वृक्ष का जमीन ग्राउंड लेवल से 1.37 मीटर तक की जो ऊंचाई होती है उसको ब्रेस्ट हाइट कहते हैं, इसको शॉर्ट में BH और DBH के नाम से भी जानते हैं। और ये 1.37 मीटर है जो किन किन देशों के अंदर इसको मान्यता प्राप्त है, तो इसको भारत हो गया, बर्मा हो गया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका आदि देशों में इसको मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना। और जनरली भारत के अंदर जो वॉल्यूम हम डायमीटर मेजर करते हैं वो उसके लिए हम यही वैल्यू काम में लेते हैं। और कुछ पृथ्वी पर ऐसे भी देश है जो 1.37 की जगह 1.3 मीटर काम में लेते हैं, उसके अंदर एक तो आ जाएगा हमारा खाद्य एवं कृषि संगठन हो जाएगा, और एक हो जाएगा यूरोपियन संघ हो जाएगा। अब यूरोपियन संघ के अंदर कितने देश है, तो इसके अंदर लगभग 28 देश आते हैं। कितने देश आते हैं, मोस्टली ज़्यादातर, सभी तो नहीं लेते यूरोपियन संघ के, लेकिन ज़्यादातर देश यही वैल्यू लेते हैं 1.3 मीटर। और इसी के साथ में अगर आपसे इसमें पर्टिकुलर कोई कंट्री का नाम पूछे तो वो याद रखना यूके प्लस ब्रिटेन, ठीक है ना। यूके और ब्रिटेन भी कौन से लेते हैं, 1.3 मीटर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर यूरोपियन संघ के अंदर 28 देश हैं, और इसके सारे देश तो हमें नाम याद नहीं करना, लेकिन जो मोस्ट जो फेमस कंट्री है वो हो जाएगा यूके और एक हो जाएगा ब्रिटेन, ठीक है ना। ये कौन से लेते हैं, 1.3 मीटर लेते हैं, ये हमको याद रखना। और ये इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4 फीट 3 इंच होती है फीट के अंदर, ये हमको पता होना चाहिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं,
तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े, उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर, उसके बाद हम देखते हैं जो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, यही स्टैंडर्ड वैल्यू को मेजर, ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, इस स्टैंडर्ड वैल्यू को ही, यही वैल्यू क्यों प्रीफर की जाती है डायमीटर मेजरमेंट के लिए, क्योंकि जनरली आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि हम 1.37 मीटर ही क्यों ले रहे हैं, हो सकता है इसकी जगह हम 1.5 ले सकते थे, 1.2 मीटर ले सकते थे, या फिर हम 2.5 मीटर ले सकते थे, 2 मीटर ले सकते थे हाइट व्यास मापन के लिए, हमने केवल 1.3 मीटर ही क्यों लिया, तो इसके पीछे का प्रमुख 2-3 कारण है, उन कारण के बारे में भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो हम थ्योरी का क्लास के अंदर लिखने वाली चीज़ें हैं, हो सकता है अगर आपको कंपटीशन एग्जाम दो और उसके अंदर आपको इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्यास मापन के लिए हम जो स्टैंडर्ड वैल्यू रखते हैं वो 1.37 मीटर रखते हैं, और ये 1.37 मीटर ही क्यों रखते हैं, तो उसके पीछे का प्रमुख कारण हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना, तो उन कारणों को देखते हैं। तो अगला जो हमारा इसके अंदर जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा स्टैंडर्ड वैल्यू के प्रमुख कारण, ठीक है ना भाई, स्टैंडर्ड वैल्यू के प्रमुख कारण क्या है कि हम 1.37 मीटर ही रखेंगे, तो उसके पीछे के 2-3 कारण है वो हमको पता होना चाहिए। इसके पीछे का जो पहला कारण है वो कारण हो जाएगा इसके अंदर, जो पहला कारण है वो हो जाएगा इसके अंदर गणना में सरल, गणना में आसानी। अब गणना में आसानी किस प्रकार से होगी, तो सभी इस वृक्ष की तरफ ध्यान देना, गणना में आसानी किस प्रकार से होगी, जो ये जो ऊंचाई होती है 1.37 मीटर जो ऊंचाई होती है, इस ऊंचाई पर ज़्यादातर जो व्यक्ति होते हैं वो आसानी से पहुंच जाते हैं। जैसे हम बात करें, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बिल्कुल छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई एवरेज होते हैं, तो इस ऊंचाई पर मोस्टली ज़्यादातर आदमी पहुंच जाते हैं, और इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद में हम इस ऊंचाई तक हम आसानी से भी किसी भी चीज़ का ऊंचाई का भी मापन कर सकते हैं, और साथ ही साथ में अगर हमें व्यास का मापन करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस ऊंचाई पर हमें गणना करने में सरलता रहती है, और इसमें किसी प्रकार का हमें बेंडिंग यानी कि हमें झुकना भी नहीं पड़ता है, ना ही ऊपर थोड़ा ऊपर उठना पड़ता है, या किसी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इसमें हम आसानी से खड़े खड़े हम किसी भी वृक्ष का हम व्यास का मापन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे एक हम कह सकते हैं हमारे लेवल की ये ऊंचाई होती है, ठीक है ना। इसके पीछे का जो प्रमुख कारण है वो हो जाएगा गणना में आसानी, क्योंकि गणना में आसानी किस प्रकार से रहेगी, इसमें हमें किसी प्रकार का झुकाव नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार का हमें झुकाव नहीं होता है, ना ही इसके अंदर हमें उछलना पड़ता है, ठीक है ना। तो इन समस्याओं का इसमें सामना हमको नहीं करना पड़ता है, इसलिए इसमें क्या होता है गणना करने में आसानी होती है, इसलिए हम 1.37 मीटर को ही प्रीफर करते हैं। ये इसके पीछे का पहला कारण हो जाएगा। नंबर सेकंड हो जाएगा अड़चन, इसमें अड़चन नहीं होती, ठीक है ना। इसमें किसी प्रकार की अड़चन यानी कि रुकावट पैदा नहीं होती है गणना करने के लिए। अब अड़चन या रुकावट किस प्रकार से पैदा नहीं होती, तो सभी इधर ध्यान देना, ये एक वृक्ष है। अब मान लीजिए आपसे आपने किसी ने मन बना लिया कि मैं 1.37 मीटर पर इसकी गणना नहीं करूंगा, यानी कि 1.37 जो मीटर प्रीफर है उस पर मैं व्यास का मापन नहीं करूंगा। आप में से हो सकता है किसी की इच्छा हो रही है मैं भूमि की सतह से वृक्ष के व्यास का मापन करूंगा, और किसी की इच्छा हो रही है मैं वृक्ष के ऊपर से मापन करूंगा, ठीक है ना। ये अपनी अपनी हॉबी हो सकती है, या अपनी अपनी इच्छा हो सकती है कि कोई बोल रहा है मैं जमीन के पास में से करूंगा, कोई बोल रहा है मैं तने के बीच में से करूंगा, कोई बोल रहा है मैं वृक्ष के ऊपर चढ़ के करूंगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अब तीनों को अलग अलग देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं भूमि के पास में से। अब भूमि के पास में से जैसे ही हम व्यास का मापन करने जाएंगे, तो वहाँ पर हो सकता है जो रूट होती है वो रूट में हो सकता है स्वेलिंग उत्पन्न हो सकती है, या फिर हो सकता है उसमें किसी प्रकार का अगर डिजीज लग रही है तो वो वहाँ पर गांठें बन सकती है, या फिर हो सकता है कि कोई इंसेक्ट लग रहा होता हो, अगर कोई किसी प्रकार का इंसेक्ट लग रहा है रूट के अंदर, तो वहाँ से वो तने को डैमेज कर सकती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें वहाँ से सही प्रकार से व्यास का मापन हम नहीं कर सकते, और वो आगे जाकर हमारे जो कैलकुलेशन होगी उसमें वो दिक्कत पैदा करेगी, समस्या उत्पन्न होगी, इसीलिए हम यहाँ से इसकी गणना नहीं कर सकते, तो वो हमारे एक वॉल्यूम के अंदर रुकावट पैदा करेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें जो हमारा कोई बोल रहा है हम वृक्ष के ऊपर से गणना करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई वृक्ष के ऊपर से गणना करते हैं तो वहां पर हो सकता है जो हमारा तना है वो वहां से पतला हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई उसका एक भाग होता है जो वो बड़ा निकल उबार लिए हुआ हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो जो गणना होती है वो सही तरह से नहीं हो पाती है, और हमारी कैलकुलेशन पूरी गलत हो जाती है, जो एक हमें आर्थिक नुकसान की तरफ लेकर जाती है। तो उस केस में क्या होता है, हमें इन सभी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज वाली जगह का चयन करते हैं। और एवरेज वाली जगह कौन सी होती है, जो किसी भी वृक्ष का जो तना होता है उसका बीच वाली जो जगह होती है, यानी कि बीच का जो पार्ट होता है वो हमेशा एवरेज रहता है, उसके अंदर ना ही किसी प्रकार की दिक्कत आती है, और उसके अंदर हमें किसी प्रकार की रुकावट भी नहीं आती। और मोस्टली अगर आपने किसी भी वृक्ष का तने देखे होंगे आपने, तो हो सकता है वो जो तना होता है वो नीचे से अगर ज़्यादा फैलाव दिया हुआ होगा, या फिर हो सकता है यहाँ पर किसी प्रकार की गांठें निकल रही होगी, किसी न किसी प्रकार की दिक्कत, जो रूट जोन जो होता है, रूट जोन के आसपास का जो स्टेम होता है, यहाँ पर किसी न किसी प्रकार की समस्या होती है। और जहाँ से क्राउन पॉइंट होता है, ये बीच में क्राउन पॉइंट होता है, तो क्राउन पॉइंट के आसपास में भी कई सारी शाखाएं निकली होती है, ब्रांचेस निकली होती है, और कई सारी यहाँ पर बीमारियाँ पत्तियाँ होती है सब लगी होती है। तो उस केस में भी यहाँ पर हमें व्यास का मापन नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो बीच वाला जो भाग होता है ये वाला,
यह बिल्कुल एकदम फ्री होता है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होता है और यहाँ पर हम वॉल्यूम का जो सॉरी वॉल्यूम का डायमीटर का जो मापन है वो आसानी से कर सकते हैं, तो इसमें हमें किसी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं होती। तो इसके पीछे का स्टैंडर्ड वैल्यू रखने का पीछे का दूसरा कारण हो जाएगा किसी प्रकार की अड़चन नहीं, या फिर हम कह सकते हैं इसी को रुकावट नहीं, ठीक है ना। तो ये इसका पीछे का तीसरा कारण होता है। और नंबर थर्ड की बात करें, नंबर थर्ड हो जाएगा एक समान, नंबर तीसरा जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा एक समान गणना के लिए, एक समान गणना के लिए सभी जगह, ठीक है ना। इसका स्टैंडर्ड वैल्यू ये 1.37 मीटर या फिर 1.3 रखने का जो पीछे का जो तीसरा कारण है वो हो जाएगा एक समान गणना के लिए सभी जगह। अब हम जैसे इसको एक उदाहरण के रूप में समझिएगा, हम बात करते हैं पर्टिकुलर इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर मान लीजिए दो स्टेट हैं जिनमें से हमें किसी भी चीज़ जो लकड़ी का जो लट्ठे हैं उनका हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट भी करना है और इम्पोर्ट करना है। जैसे मान लीजिए एक बंदा कोई भी है राजस्थान का रहने वाला है और एक बंदा है महाराष्ट्र का, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो महाराष्ट्र वाला जो बंदा है वहाँ से हमने कुछ लकड़ियाँ मंगाई या फिर हम कह सकते हैं लकड़ी के लट्ठे मंगाई जो महंगे काफ़ी ज़्यादा महंगे फर्नीचर के लिए, हमने वहाँ से कुछ लकड़ियों का हमने क्या किया वहाँ से एक्सपोर्ट किया, ठीक है ना। एक्सपोर्ट किया तो अब वो एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमें उनको पैसे भी देने होंगे और पैसे देने के लिए हमें उसका जो वॉल्यूम है उसका हमें एग्जैक्ट जो उसका वॉल्यूम है उसका हमें एग्जैक्ट मान पता होना चाहिए। एग्जैक्ट मान कब पता होगा, जब हमारा डायमीटर जो हमने मापन किया था वो हमारे एकदम बिल्कुल एक्यूरेट सही होना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, तो मान लीजिए ये एक वृक्ष था, ठीक है ना, ये वृक्ष था तो हमने मान लीजिए महाराष्ट्र वाले जो लोग हैं वो बोलते हैं हम जो वृक्ष का जो तने का मापन करते हैं वो करते हैं 1.5 मीटर पर करते हैं, ठीक है ना। वो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं अपनाते हैं, वो अपनाते हैं 1.5 मीटर अपनाते हैं। और ये का यही जब यहाँ इस वृक्ष का कटा हुआ लट्ठा होगा वो हमारे पास में आएगा, लकड़ी वो हमारे पास में आएगी राजस्थान में आएगी, और राजस्थान वाले बोलते हैं हम जो तने का जो व्यास का मापन करते हैं वो हम करते हैं 1.3 मीटर पर हम किसी भी वृक्ष का मापन करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, महाराष्ट्र वाले जो व्यक्ति हैं उनमें जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो अलग होगी और राजस्थान वाले में स्टैंडर्ड वैल्यू अलग होगी। अगर दोनों में स्टैंडर्ड वैल्यू जो अलग अलग होगी तो कैलकुलेशन में भी हमें कैलकुलेशन जो होगी वो भी गलत होगी और इसके साथ साथ में जो हमें पैसे देने होंगे उनमें भी हमें दिक्कत आएगी और आगे जाकर एक विवाद का कारण होगी। तो इस कंडीशन ये जो परिस्थिति है इस परिस्थिति से निपटने के लिए बचने के लिए सभी जगह फिक्स मान बना दिया है कि राजस्थान में भी सेम मान रहेगा और महाराष्ट्र के अंदर भी सेम वैल्यू रहेगी, तब जाकर आपस में कोऑर्डिनेशन हो पाएगा और हम जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं उनमें समान प्रकार का वैल्यू बनी रहेगी और हमें एक जो बेनिफिट होगा वो सही तरह से मिल पाएगा। तो उसके लिए भी उसके पीछे का जो कारण है उससे बचने के लिए भी ये स्टैंडर्ड वैल्यू बनाया गया है जिसमें क्या होता है एक समान गणना के लिए सभी जगह। जैसे हम ये तो हमने स्टेट के अकॉर्डिंग समझा, इसको हम कंट्री के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं क्योंकि कई सारी कंट्री ऐसी होती है जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए हम टिम्बर का एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट सभी का करते हैं। तो उस केस में उन इन विवादों से बचने के लिए हम फिक्स एक स्टैंडर्ड वैल्यू रखकर चलते हैं ताकि हमें किसी प्रकार की किसी कैलकुलेशन दिखाने में और समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। तो इसके पीछे का प्रमुख ये तीन कारण होते हैं जो हमको पता होना चाहिए। तो अब उम्मीद आप सभी को समझ में आ गए होंगे कि स्टैंडर्ड वैल्यू रखने के पीछे के प्रमुख कारण क्या क्या है। तो एक बार फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला हो जाएगा गणना में आसानी क्योंकि हमारे बीच में एक जैसे हमारे लेवल पर रहता है तो हमें झुकना नहीं पड़ेगा, हमें उछलना नहीं पड़ेगा। और एक हो जाएगा अड़चन या रुकावट नहीं होती किसी भी प्रकार की इसमें। और कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू को फॉलो करते हैं जिससे हमें इकोनॉमिकल जो लॉस होता है उससे हम बच जाते हैं, ठीक है ना। ये इसके पीछे के प्रमुख तीन कारण होते हैं ये हमको पता होना चाहिए। तो उम्मीद है आप सभी को ये स्टैंडर्ड वैल्यू एक जैसी रखने के पीछे के क्या कारण थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं, इसके बाद में हम देखते हैं कुछ अगर हमें डायमीटर मेज़र करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स भी होते हैं क्योंकि सभी वृक्ष के जो तने होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं और कई वृक्ष सीधे होते हैं, कई वृक्ष झुके हुए होते हैं, कई वृक्ष पहाड़ों पर होते हैं तो वहाँ पर तना कुछ तो पहाड़ के अंदर जा रहा होता है, कुछ पहाड़ के ऊपर होते हैं, कुछ पानी के अंदर होते हैं जिसके अंदर तना पानी के अंदर रहता है और कुछ बाहर रहता है। तो उस कंडीशन में हमें किस प्रकार से तने का मापन करना है और साथ ही साथ में हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू हम किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं या फिर इन सभी कंडीशन से बचने के लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए ताकि हम एग्जैक्ट डायमीटर मेजर कर सकें, ठीक है ना, वो हमको पता होना चाहिए। उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा डायमीटर मेजर के प्रमुख रूल्स कौन कौन से, डायमीटर मेजर करने के प्रमुख नियम कौन कौन से, डायमीटर मेजर करने के प्रमुख रूल कौन कौन से, नियम कौन से। ये नियम क्या कहता है, तो जनरली जो वृक्ष होते हैं उनकी सभी के स्ट्रक्चर एक जैसी नहीं होती। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें कुछ वृक्ष जो होते हैं, यहाँ पर मैं तीन चार वृक्ष का डायग्राम बना देता हूँ। कुछ जो वृक्ष होते हैं उनका जो तना होता है वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होता है। अब ये जो वृक्ष दिखाई दे रहा है इस वृक्ष का जो तना है वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट खड़ा है, इसमें से हम आसानी से डायमीटर निकाल सकते हैं। एक ऊंचाई फिक्स ले लेंगे हम 1.37 मीटर और वहाँ पर एक निशान बना देंगे उसके बाद में हम आसानी से ये ए वृक्ष होगा, इस ए वृक्ष की गणना हम आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करें हम बी वृक्ष की, ठीक है ना। बी वृक्ष की बात करें तो बी वृक्ष में क्या होगा, मान लीजिए ये जो वृक्ष है इस वृक्ष की जो संरचना है वो इस प्रकार की,
आपने इस प्रकार के वृक्ष देखे होंगे आपने, ठीक है ना। ये इस प्रकार के वृक्ष, कई सारे ऐसे वृक्ष होते हैं जो झुके हुए होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के वृक्ष आपने देखे होंगे, एक तरह से तो तना बड़ा दिखाई देता है और एक साइड से बिल्कुल छोटा होता है, यानी कि झुकाव ये होता है, यानी कि एक एंगल बना रहा होता है। बी वाली कंडीशन ये ऐसी हो जाएगी। और नंबर सी कंडीशन की बात करें तो नंबर सी कंडीशन हो जाएगी, ये मान लीजिए धरातल हो गया हमारा, और धरातल के साथ साथ में ये मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है ना। ये पहाड़ी क्षेत्र हो गया एक, ठीक है ना, ये पहाड़ हो गया। और इस पहाड़ पर क्या हो रहा है, तो इस पहाड़ पर ये वृक्ष ग्रो कर रहा है, जिसमें से अब ये इस कंडीशन में ये वृक्ष हो गया, ठीक है ना। इस कंडीशन में ये वृक्ष हो गया, तो अब क्या होगा, तो इस वृक्ष में इधर वाला जो ये तने का भाग है, ये तो पहाड़ के भीतर जा रहा है, बहुत ज़्यादा भीतर जा रहा है, और एक कंडीशन से एक तरफ से जो वृक्ष है वो उसका जो तना है वो कम अंदर जा रहा है। तो इन तीनों कंडीशन में हमें किस प्रकार से वृक्षों का चयन करना है हमें व्यास के मापन के लिए, तो ठीक है ना। अगर ये तीनों कंडीशन हो सकती है किसी भी वृक्ष के तने के मापन के लिए, पहला हो सकता है बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो सकता है झुका हो सकता है वृक्ष, और एक हो सकता है पहाड़ी क्षेत्र में हो, जहाँ पर वृक्ष का एक तना, वृक्ष का जो तना है वो कुछ तो अंदर जा रहा है और कुछ बाहर निकला होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक कंडीशन के लिए बात करते हैं, जो ए वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या है, बिल्कुल जो ये पेड़ है ये बिल्कुल सीधा खड़ा है, ठीक है ना, बिल्कुल क्या खड़ा है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा खड़ा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो वृक्ष के तने की जो मापन करेंगे, सॉरी वृक्ष के तने का जो व्यास का मापन करेंगे, उसके लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू रखेंगे वो 1.37 मीटर रखेंगे। ओवरऑल इन सभी के लिए 1.37 मीटर ही रखेंगे हम स्टैंडर्ड वैल्यू, तो लेकिन हमें मापन कहाँ से करना है, तो जो ग्राउंड लेवल है, यहीं से ग्राउंड लेवल से इसके ऊंचाई का हम मापन स्टार्ट कर देंगे, और जहाँ पर 1.37 मीटर खत्म हो रही है वहाँ पर एक निशान लगा देंगे, और यहाँ से हम तने का मापन स्टार्ट कर देंगे व्यास के लिए, ठीक है ना। तो ये सीधी जो, अगर कोई भी वृक्ष सीधा खड़ा है तो उसके लिए तो हमें जो नॉर्मल जो कंडीशन होगी वो अप्लाई करनी है। अब बात करते हैं हम इसके लिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमेशा याद रखना जिस दिशा में वृक्ष झुका हुआ होता है। अब किस दिशा में झुका हुआ है वृक्ष, इस दिशा में झुका हुआ है, जिस दिशा में वृक्ष झुका हुआ है उस दिशा में हम क्या करेंगे, इसका ऊंचाई का मापा, ये हाइट, ये डायमीटर मेजर करेंगे। जिस दिशा में झुका हुआ है, जो दूसरा नियम होगा, जिस दिशा में वृक्ष क्या है, झुका हुआ है, झुका हुआ है, उस दिशा से हम क्या करेंगे, उस दिशा से हम डायमीटर मेजर करेंगे, ठीक है ना। यानी कि हम उस दिशा से वृक्ष में तने का व्यास का मापन करेंगे। अब जिस दिशा से झुका हुआ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से बनाएंगे, तो मान लीजिए ये वृक्ष जो तना था ये इस प्रकार से घूमकर इस तरफ से जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसी कंडीशन बनाएंगे। अब इस कंडीशन में जाकर ये जो तना है दोनों तरफ से इक्वल दिखाई देने लगा, क्योंकि इस कंडीशन में जो ये इधर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है तने का आपको, ये वाला तने का भाग एक्स्ट्रा है, और इस जो जिस दिशा में झुका हुआ है उस दिशा में जो तना है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जिस दिशा में तना झुका हुआ है उस दिशा में हम एक बिल्कुल स्ट्रेट इस प्रकार से उनको किसी भी स्केल की सहायता से इस प्रकार से नाप ले लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से 1.37 मीटर ऊपर तक हम इसको स्केल की सहायता से, इंच टेप की सहायता से नाप लेंगे उसका, और जहाँ पर ये ऊंचाई आ रही है वहाँ पर हम निशान बना देंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर वृक्ष के तने से हम व्यास का मापन करेंगे। तो दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी, और जनरली हमारे इंडिया में जो अपनाया जाता है वो यही मेथड अपनाया जाता है, ठीक है ना, दूसरी कंडीशन में, अगर इस कंडीशन में। और नंबर थर्ड बात करें, तीसरी कंडीशन में अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, क्योंकि जो मोस्टली इंडिया के अंदर उत्तर पूर्वी भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जहाँ वृक्ष पाए जाते हैं वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जहाँ पर पहाड़ का जो ऊपरी जो सिरा होता है, यानी कि पहाड़ का जो ऊपरी सिरा होता है, उस दिशा से हम क्या करते हैं, वृक्ष के तने के अंदर व्यास का मापन करते हैं। अब ये पहाड़ है, ये वाला क्या है, पहाड़ है, ये आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, तो जिस दिशा में पहाड़ का क्षेत्र ज़्यादा होगा या जिस दिशा में पहाड़ ज़्यादा होगा उस दिशा से हम क्या करते हैं, वृक्ष में तने से व्यास का मापन करते हैं। तो पहाड़ किस दिशा में ज़्यादा है, इस दिशा में ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देंगे, इस प्रकार से ये स्ट्रेट लाइन बना दी। अब हम यहाँ से इसको निशान बना देंगे, यहाँ तक आ रही है 1.37 मीटर, यहाँ पर निशान बनाकर यहाँ से हम क्या करने लग जाएंगे, तने के अंदर व्यास का मापन करेंगे, ठीक है ना। तो ये तीनों कंडीशन होती है, और इन तीनों को हम डायमीटर मेजरमेंट के रूल्स, इनको रूल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो पहला रूल क्या हो जाएगा, पहला रूल जाएगा नॉर्मल कंडीशन में हो तो हम इस प्रकार से लेना है। सेकंड कंडीशन हो जाएगी रूल्स के लिए, जिस दिशा में वृक्ष झुका हुआ है उस दिशा से हमें क्या करना है, इस प्रकार से हमें एक एरो बनाना है या निशान बनाना है, और हमें 1.3 मीटर ऊंचाई का एक निशान बनाना है के ऊपर, और वहां से हमें व्यास का मापन करना है। नंबर थर्ड कंडीशन हो जाएगी जिस दिशा में पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा होगा। अब पहाड़ी क्षेत्र इस दिशा में ज़्यादा है, इस वाली दिशा में क्या है, पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है, तो पहाड़ी जिस दिशा में ज़्यादा है, जिस दिशा में ज़्यादा है उस दिशा में हमें क्या करना है, मापन करना है व्यास का, और जो भी कैलकुलेशन आएगी वो हम सोल्व करके लास्ट में हम उसकी गणना कर लेंगे, ठीक है ना। ये तीनों कंडीशन होती है, ये हमको याद रखना है। और ये तीनों कंडीशन किस
कंट्री में अपनाई जाती है, तो ये जनरली भारत के अंदर अपनाई जाती है, ये भी हमको याद रखना है, ठीक है ना। तो भारत के अंदर व्यास मापन के लिए तीन कंडीशन है जिनको हम रूल्स के नाम से जानते हैं, और ये तीनों रूल्स हमें पता होना चाहिए। तो ये होता है इसका रूल्स। और एक याद रखना, एक आया था मेजरमेंट के लिए, और वो मेजरमेंट के लिए एक आया था वेट एंड मेजर एक्ट, ठीक है ना। ये एक्ट कब आया था, 1956 में आया था। ये भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा हुआ है कि भारत के अंदर वेट एंड मेजर एक्ट कब आया था, 1956 के अंदर आया था। ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, और हो सकता है आपसे भी न्यू टाइप के अंदर ये प्रश्न पूछा जाए, तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमको पता होना चाहिए। तो ये उम्मीद है आपको तीनों रूल्स समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें इनका मापन करना है, ठीक है ना। ये होता है इसका डायमीटर मेजरमेंट के लिए, जो नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आप जाकर हमारे कंप्लीट होती है, ठीक है ना। तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर पहला तो स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1.37 मीटर, किस किस के लिए, यूनाइटेड नेशन के लिए, इंडिया के लिए, इंडोनेशिया, बर्मा, और एक हो जाएगा हमारे ऑस्ट्रेलिया, और एक हो जाएगा साउथ अफ्रीका, इनके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू व्यास मापन के लिए 1.37 मीटर रखी जाती है। और इसी 1.37 मीटर को हम इसी 1.37 मीटर को हम ब्रेस्ट हाइट के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्ट में BH और DBH के नाम से जानते हैं। DBH का पूरा नाम होता है डायमीटर ब्रेस्ट हाइट होता है, और ये कई बार एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म पूछा जाता है DBH का पूरा नाम क्या होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं, जहाँ से हम 1.37 मीटर पर निशान लगाते हैं, वहाँ से अगर हम उसको तने को काट देते हैं, तो उस कटे हुआ जो एरिया होता है, उस कटे हुए एरिया को हम बेसल एरिया के नाम से जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में हमने देखा 1.3 एक नया स्टैंडर्ड वैल्यू जो खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा बनाया गया, और एक यूरोपियन जो संघ है उसके द्वारा इसको अपनाया जाता है, ये भी हमको पता होना चाहिए। इसके अंदर मोस्टली दो कंट्री पता होनी चाहिए, एक ब्रिटेन होगा और एक हो जाएगा हमारे UK हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, ये भी हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद में हम वेट एंड मेजर एक्ट कब आया था, 1956 में आया था, और इसके प्रमुख रूल्स कौन कौन से, वो रूल्स हमने चर्चा की। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड में खड़ा हो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई एंगल बनाया हुआ है तो उस कंडीशन में किस प्रकार से लेना है, अगर कोई पहाड़ी क्षेत्रों में खड़ा है तो उस कंडीशन में किस प्रकार से लेना है, ठीक है ना। उसके बाद में हमने देखा जो भी प्रमुख हमारे इसके स्टैंडर्ड वैल्यू को फिक्स स्टैंडर्ड वैल्यू क्यों काम में लेते हैं, उसके पीछे का प्रमुख कारण क्या था, वो मैंने बताया आपको। तीन कारण थे प्रमुख, पहला था इसके अंदर समान गणना के लिए, और नंबर सेकंड हो जाएगा इसके अंदर किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा ना हो उसके लिए, और एक हो जाएगा हमें किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो, यानी कि हमें बिल्कुल सही गणना, हम एक्यूरेट गणना कर सके उसके लिए हम स्टैंडर्ड वैल्यू काम में लेते हैं। ये उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम ये फॉरेस्ट मेजरमेंट करते हैं या किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, तो उसके लिए प्रेजेंट ऑफ माइंड हमेशा 100% वहीं होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि हम अगर कार्य किसी जगह दूसरी जगह कर रहे हो और हमारा मस्तिष्क है जो किसी दूसरी जगह पर लगा हुआ है, तो उस केस में हमारी जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो ये होता है हमारे फॉरेस्ट मेजरमेंट के अंदर डायमीटर मेजरमेंट के जो नॉर्मल जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ये होती है। अब हम इसके अंदर देखते हैं प्रमुख जो भी डायमीटर मेजरमेंट होता है या ग्रिथ मेजरमेंट के प्रमुख मेथड कौन कौन से, उनके हम नाम देखते हैं, और उनके बाद में हम उनको एक एक करके चर्चा करेंगे उनके ऊपर, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ये एक्ट याद रखना, वेट एंड मेजर एक्ट कब आया था, तो ये आया था 1956 के अंदर आया था, ये हमको पता होना चाहिए। और एक और याद रखना इसी के अंदर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अब हम ये सभी मेज़र कर रहे हैं, जनरली हम किसी भी चीज़ का मेज़र करते हैं तो उसके लिए फील्ड हम लेते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं हम डायमीटर मेज़र कर रहे हैं, तो उसके लिए एक फिक्स सैंपल, ये जनरली हम जब भी डायमीटर मेज़र करते हैं, एज मेज़र करते हैं, या फिर वॉल्यूम मेज़र करते हैं, या फिर हम हाइट मेज़र करते हैं, इसके लिए जो हम सैंपल लेते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो उस सैंपल के लिए जो एरिया रखा जाता है, सैंपल के लिए जो एरिया रखा जाता है, सैंपलिंग के लिए जो क्षेत्र रखा जाता है, वो क्षेत्र कितना रखा जाता है, ये भी एक बार प्रश्न आया हुआ है कि अब हम ये सभी क्रियाएं कर रहे हैं, यानी कि हमें डायमीटर मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे, और फॉरेस्ट के अंदर जाने के बाद में हम क्या करेंगे, कोई भी एक क्षेत्र का चुनाव करेंगे। अब फॉरेस्ट तो बहुत बड़ा होता है, फॉरेस्ट का जो एरिया होता है वो कई सारे वर्ग किलोमीटर के अंदर होता है, कई हज़ारों वर्ग किलोमीटर के अंदर होता है। तो उस हज़ारों वर्ग किलोमीटर के अंदर मान लीजिए हमने जो ये सारा चयन करना है, उसमें से मान लीजिए जो फॉरेस्ट का जो एरिया है वो 1000 वर्ग किलोमीटर का, ठीक है ना। 1000 वर्ग किलोमीटर में से ऐसा थोड़े कि हम 1000 वर्ग किलोमीटर पूरे क्षेत्र में जाकर एक एक वृक्ष का हम डायमीटर मेजर करेंगे। तो इस 1000 वर्ग स्क्वायर मीटर, 1000 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर मीटर का जो फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट क्षेत्र में से हम क्या करेंगे, कुछ एरिया का सिलेक्शन कर लेंगे, यानी कोई 1000 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसमें से मान लीजिए हमने क्या किया, 2 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्र है उसके अंदर जो फॉरेस्ट लगा है उसके अंदर हम रिसर्च का काम कर रहे हैं। उस रिसर्च के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डायमीटर का मेजरमेंट भी कर रहे हैं, एज मेजरमेंट भी कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं हम वॉल्यूम मेजरमेंट और हाइट मेजरमेंट इसी के अंदर कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, तो इन सभी के प्रैक्टिकल के लिए एक फिक्स एरिया रखा जाता है, और वो जो नॉर्मल जो एरिया रखा जाता है वो रखा जाता है 0.2 हेक्टेयर से लेकर 0.1 हेक्टेयर से लेकर 0.2 हेक्टेयर तक
तक यह क्षेत्र रखा जाता है ये हमको पता होना चाहिए। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो सैम्पलिंग के लिए जो नॉर्मल प्लॉट की जो साइज रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, यानी कि हम जितना भी मेजर करते हैं फॉरेस्ट्री के अंदर वो एरिया कितना रखा जाता है सैम्पलिंग के लिए, यानी कि टेस्ट करने के लिए कि हमें व्यास का मापन करना है तो उसके लिए हम कितना सिलेक्शन करेंगे जगह का। तो उसके लिए जो क्षेत्र रखा जाता है वो रखा जाता है 0.1 हेक्टेयर से लेकर 0.2 हेक्टेयर, वो सैम्पलिंग के लिए प्लॉट की साइज रखी जाती है, हमको पता होना चाहिए। और ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा भी गया है तो आप भी इसको याद रखना, ठीक है ना। अब मैं इसको रफ करता हूँ। अब आगे हम देखते हैं जो डायमीटर मेजर होता है वो उसके प्रमुख मेथड कौन कौन से, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, या फिर इनके प्रमुख इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। मेथड तो जनरली एक ही है कि हमें क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है हमें वृक्ष के तने का। तो उसके प्रमुख इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमको पता होना चाहिए। अगला जो इसके अंदर हमारा टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा, अब मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि डायमीटर मेजरमेंट किन उपकरणों की सहायता से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगला जो इसके अंदर हो जाएगा, अगला जो इसके अंदर हो जाएगा हमारे डायमीटर मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, प्रमुख उपकरण कौन कौन से, ठीक है ना। तो डायमीटर मेजरमेंट के प्रमुख उपकरण कौन कौन से, अब हमें ये इस उपकरण पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम डायमीटर पौधे का कहां कहां से निकाल सकते हैं। तो जनरली डायमीटर हम दो तरह से निकाल सकते हैं, जो कोई भी प्लांट होता है, ठीक है ना, ये मान लीजिए एक प्लांट है, सॉरी प्लांट या ट्री है, तो इसके अंदर जो हम डायमीटर निकालेंगे तो इस वृक्ष का हम डायमीटर दो जगह से निकाल सकते हैं। एक तो निकाल सकते हैं ब्रेस्ट हाइट से, जो ब्रेस्ट हाइट है वहां से निकाल सकते हैं, और एक निकाल सकते हैं अपर स्टेम के पार्ट से, यानी कि जो ब्रेस्ट हाइट है ब्रेस्ट हाइट के जो ऊपर का जो भाग होता है वहां से हम डायमीटर निकाल सकते हैं। तो इन दोनों के दोनों जगह से निकालने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में उनके नाम पता होना चाहिए। तो पहला हम डायमीटर कहां कहां से निकाल सकते हैं, तो डायमीटर निकाल सकते हैं हम, एक तो निकाल सकते हैं बी एच से डायमीटर निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना। ब्रेस्ट हाइट से हम क्या निकाल सकते हैं, डायमीटर निकाल सकते हैं, उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं, और एक काम में लिए जाते हैं अपर स्टेम से डायमीटर निकालने के लिए, यानी कि ये जो कंडीशन होती है यहाँ पर, मान लीजिए ये इस जगह पर हमारा ब्रेस्ट हाइट ऊंचाई आ रही है, तो ब्रेस्ट हाइट से अगर हम डायमीटर निकाल रहे हैं उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं, और एक लिया जाता है अपर, यानी कि ये जो क्राउन वाला जो पार्ट होता है, ये क्राउन हो गया, तो क्राउन वाले पार्ट में से अगर हमें डायमीटर निकालना है कहीं से तो उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं, वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इन दोनों के नाम देखेंगे, उसके बाद में हम एक एक जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि न्यू टाइप के अंदर जनरली जो न्यू टाइप और फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मेथड से नहीं पूछे जाते, केवल उनके नाम से पूछे जाते हैं कि ब्रेस्ट हाइट के पास में से डायमीटर मापन के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है, और क्राउन के पार्ट से या फिर स्टेम के ऊपरी वाले भाग से डायमीटर मेजर करने के लिए निम्न में से किस प्रकार का उपकरण काम में लिया जाता है, तो उनके नाम हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेस्ट हाइट से डायमीटर मेजर करने के लिए जो प्रमुख उपकरण काम में लिए जाते हैं उन उपकरण के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम नाम देखेंगे, उसके बाद में हम इनको एक एक करके इनकी स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है, अगर हम ब्रेस्ट हाइट की बात करें तो ब्रेस्ट हाइट के अंदर सबसे पहले आता है उसका नाम हो जाएगा, इसमें इसके अंदर पहला हो जाएगा वुडन स्केल। कौन सी स्केल? वुडन स्केल। ये आप जो मैं यहाँ पर आप लिखा रहा हूँ ये नाम आप याद रखना, ये नाम एग्जाम के अंदर सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि वुडन स्केल से किसका मापन किया जाता है, ठीक है ना। तो वो किया जाता है डायमीटर का मापन किया जाता है। अगर डायमीटर का अंदर पूछा जाए तो फिर हो जाएगा ब्रेस्ट हाइट से डायमीटर का मापन किया जाता है, अगर ओवरऑल पूछा जाए तो वो हो जाएगा डायमीटर। और अभी तक जो प्रश्न आए हैं वो केवल ओवरऑल से आए हैं, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा इसमें ट्री कैलिपर, ठीक है ना, ट्री कैलिपर। और प्रश्न ये भी आया हुआ है कि कैलिपर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है, तो कैलिपर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है, डायमीटर के मापन में किया जाता है ना ओवरऑल। नंबर थर्ड की बात करें, नंबर थर्ड हो जाएगा डायमीटर टेप। क्या हो जाएगा? डायमीटर टेप हो जाएगा। एक हो जाएगा वुडन स्केल हो जाएगा, एक हो जाएगा ट्री कैलिपर हो जाएगा, नंबर थर्ड हो जाएगा डायमीटर टेप हो जाएगा। इनको साथ साथ में आप भी याद करते हुए चलेगा। और एक हो जाएगा बिल्टमोर स्टिक, ठीक है ना। एक हो जाएगा बिल्टमोर स्टिक, और इसके बाद में हो जाएगा अगला हो जाएगा बिल्टमोर, एक हो जाएगा बिल्टमोर स्टिक और अगला हो जाएगा बिल्टमोर स्केटर फोर्क,
ठीक है ना। तो ये पांच जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन पांच इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम ब्रेस्ट हाइट से डायमीटर का मेजर करते हैं। यानी कि ब्रेस्ट हाइट क्या होती है, तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि ये वाली जो 1.37 मीटर की जो ऊंचाई होती है, इस ऊंचाई को ब्रेस्ट हाइट के नाम से जानते हैं। और ब्रेस्ट हाइट से व्यास का मापन के लिए हम इन पांच का उपयोग करते हैं। कौन कौन से करते हैं? वुडन स्केल का करते हैं, ट्री कैलिपर का करते हैं, और डायमीटर टेप का करते हैं, और बिल्टमोर स्टिक का करते हैं, और बिल्टमोर स्केटर फोर का करते हैं। अब मैं आपको ओवरऑल नाम बता देता हूँ कि अगर आपसे एग्जाम के अंदर यह प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से व्यास मापन के लिए किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है, शॉर्ट में बताएं, तो कुछ नहीं लिखना है इनके अंदर, केवल तीन नाम लिखना है। एक तो लिखना है इसके अंदर कैलिपर टेप और एक हो जाएगा वुडन स्केल, ठीक है ना। अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाए, इनका किसी का नाम नहीं पूछा जाए, केवल आपसे कोई भी एग्जामिनर या आपका फ्रेंड साथी आपका इनमें से नाम पूछा जाए कि व्यास मापन के लिए किन उपकरणों का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है कैलिपर का, किया जाता है टेप का, किया जाता है वुडन स्केल का, किया जाता है, ठीक है ना। अगर इनमें से अंदर से पूछा जाए कि कैलिपर में से भी किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है, तो उसमें फिर अलग अलग आ जाएगा। इसमें आ जाएगा एक हमारा ट्री कैलिपर आ जाएगा, ये जो कैलिपर होता है इसके भी और प्रकार होते हैं, उनमें आ जाएगा, एक आ जाएगा ग्रिथ कैलिपर आ जाएगा, तो वो कैलिपर आ जाएगा, ठीक है ना। और टेप में पूछा जाए तो टेप में भी अब अलग अलग टेप होती है, एक आते ग्रिथ टेप आती है और एक आते डायमीटर टेप आती है, तो वो टेप भी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है ना। ये हमको पता होना चाहिए। ये तीनों नाम ओवरऑल पूछे जाए कि आप ओवरऑल एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि डायमीटर मेजर के लिए कौन से उपकरण काम में लिया जाता है, तो कैलिपर, वुडन स्केल और एक हो जाएगा टेप। और अगर सेपरेट पूछा जाए तो फिर ये आपको नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर पांच हो जाएंगे, वुडन स्केल, ट्री कैलिपर, डायमीटर टेप, बिल्टमोर स्टिक और बिल्टमोर स्केटर फोर हो जाएगा। ये हमको याद रखना, ठीक है ना। अब हम इसके बाद आगे देखते हैं, अब हम इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपर स्टेम से डायमीटर मेजर के प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं। अपर स्टेम से डायमीटर मेजर के प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर जो पहला उपकरण आएगा वो आ जाएगा रूलर। इसके अंदर जो उपकरण आएगा वो उपकरण आ जाएगा रूलर, एक उपकरण का नाम है वो आ जाएगा। तो इसके अंदर आ जाएगा पहला तो आ जाएगा रूलर, ठीक है ना। पहला तो क्या आ जाएगा रूलर। नंबर सेकंड की बात कर, नंबर सेकंड हो जाएगा फिनिश पैराबोलिक कैलिपर, ठीक है ना। नंबर सेकंड आ जाएगा फिनिश पैराबोलिक कैलिपर, ठीक है ना। ये पैराबोलिक है, ये याद रखना है आपको नाम। नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड हो जाएगा इसके अंदर डेंड्रोमीटर। अब ये याद रखना डेंड्रोमीटर, ये जो डेंड्रो शब्द है तीन बार काम आ चुका है। एक तो आता है डेंड्रोलॉजी, किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा या वानिकी की वह शाखा जिसके अंदर वृक्षों का अध्ययन किया जाता है, डेंड्रोलॉजी कहलाता है। और एक आता है डेंड्रोमेट्री। ये मैंने जब फॉरेस्ट मेजरमेंट पढ़ाया था तब मैंने बताया था, फॉरेस्ट मेजरमेंट के तीन प्रमुख नाम होते हैं। एक तो होता है फॉरेस्ट मेजरमेंट, दूसरा होता है बायोमेट्री और एक होता है डेंड्रोमेट्री, जिसमें मैंने आपको बताया था डेंड्रोमेट्री। और एक याद रखना डेंड्रोमीटर, ठीक है ना। डेंड्रोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो डेंड्रोमीटर का प्रयोग व्यास मापन में किया जाता है, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी इसके कई सारे प्रकार होते हैं, वो प्रकार के नाम अगर याद रखें तो याद रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। एक आता है इसके अंदर क्रेमर डेंड्रोमीटर, एक आता है बार डेंड्रोमीटर, एक आता है क्रेमर डेंड्रोमीटर, एक आता है बार डेंड्रोमीटर और एक आता है स्टोन डेंड्रोमीटर, ठीक है ना। तो ये डेंड्रोमीटर के तीन प्रकार होते हैं, क्रेमर डेंड्रोमीटर, बार डेंड्रोमीटर और एक आता है स्टोन डेंड्रोमीटर। ये अगर नाम याद हो जाए तो याद रख लेना, बाकी आप केवल डेंड्रोमीटर शब्द याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद नंबर फोर्थ की बात करें, नंबर फोर्थ हो जाएगा रिले स्केप, ठीक है ना। ये नंबर फोर्थ हो जाएगा रिले स्केप। नंबर फिफ्थ की बात करें तो नंबर फिफ्थ हो जाएगा इसके अंदर विलर पेंटा परिज में, ठीक है ना। तो ये पांच इसके अंदर हो जाएंगे और पांच इसके अंदर हो जाएंगे। ये होते हैं डायमीटर का मापन करने के प्रमुख उपकरण कौन कौन से होते हैं। ब्रेस्ट हाइट के लिए अलग होते हैं, और क्राउन के अंदर जो स्टेम पाए जाते हैं उनसे अगर हमें डायमीटर का मेजर करना है तो उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है। इनमें से अब मैं आपको जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ब्रेस्ट हाइट के अंदर पूछा जाए कि इसके अंदर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर तीन याद रखना, ठीक है ना। एक तो याद रखना वुडन स्केल इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और एक याद रखना कैलिपर, ठीक है ना। वुडन स्केल, कैलिपर, टेप और बिल्टमोर, ठीक है ना। ये कॉमन नेम बता रहा हूँ, ये नाम आपको याद रखना, कौन कौन से। टेप आप नाम याद रख ही लोगे, वुडन स्केल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैलिपर हो जाएगा, एक हो जाएगा बिल्टमोर, ठीक है ना। बिल्टमोर याद रख लेना, और ये नाम आप इजीली याद रख सकते हो। इसके अंदर याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर कौन कौन से रखना है, तो इसके अंदर याद रखना है एक तो आपको डेंड्रोमीटर याद रखना है, एक याद रखना है आपको रिले स्केप, और एक याद रखना है आपको रूलर, ठीक है ना।
क्या याद रखना रूलर, क्योंकि आप इसमें कैलिपर याद रखोगे तो, क्योंकि कैलिपर मैंने इधर बता दिया तो आप कैलिपर के साथ में आप जब कैलिपर को पढ़ोगे तो हो सकता है एग्जाम के अंदर प्रश्न दोनों पूछा जा सकता है कि फिनिश पैराबोलिक कैलिपर किसके लिए यूज़ में लिया जाता है, तो कैलिपर जब पढ़ोगे तो आप दोनों याद रख लोगे। तो इसके अंदर तीन याद रखना, रिले स्केप, डेंड्रोमीटर, रूलर याद रखना, ये नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये हमको पता होना चाहिए। इसी के साथ में हमारा जो डायमीटर के जो प्रमुख इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब इन इंस्ट्रूमेंट को हम एक एक करके देखेंगे जो हमारे एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, सभी के बारे में नहीं देखेंगे हम, केवल इनमें से कुछ एक के बारे में देखेंगे जिनसे प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहती है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं ग्रिथ के मेजरमेंट के लिए कौन कौन से उपकरण काम में लेते हैं, उसके बाद में हम आज का सेशन ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में इनके इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम ग्रिथ के जो प्रमुख हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं ग्रिथ के प्रमुख, ग्रिथ के मापन के प्रमुख इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर ग्रिथ मेजरमेंट के प्रमुख इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, ग्रिथ मेजरमेंट के प्रमुख इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर तीन इंस्ट्रूमेंट है वो हमको याद रखने, कौन कौन से हैं इसके अंदर, पहला तो हो जाएगा टेप, ठीक है ना, पहला तो हो जाएगा टेप, नंबर सेकंड हो जाएगा इसके अंदर ग्रिथ कैलिपर, नंबर सेकंड हो जाएगा ग्रिथ कैलिपर, और नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड हो जाएगा इसके अंदर मीटर स्केल। ये तीनों जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये किसके मापने में यूज़ में लिए जाते हैं, तो ये ग्रिथ मेजरमेंट के लिए लिए जाते हैं, और ग्रिथ को हिंदी में हम परिधि के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। इसके अंदर क्या नाम याद रखना, टेप, ग्रिथ कैलिपर और मीटर स्केल। ये किस प्रकार से काम करते हैं, टेप के बारे में जब हम वुडन स्केल और उसके अंदर पढ़ेंगे हम ब्रेस्ट हाइट से डायमीटर टेप के बारे में, तब आपको ये टेप के बारे में समझ में आ जाएगा। और कैलिपर किस प्रकार कार्य करता है, तो जब हम ट्री कैलिपर के बारे में और पैराबोलिक जो कैलिपर होता है फिनिश पैराबोलिक कैलिपर है उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैलिपर किस प्रकार से वर्क करता है, और स्केल किस प्रकार से करता है, तो वुडन स्केल पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनका फॉर्मेट लगभग एक जैसे होता है, हालांकि इनका जो उद्देश्य होता है वो अलग अलग होता है लेकिन तरीका लगभग सेम होता है। तो इसी के साथ में हमारा जो डायमीटर मेजरमेंट के जो प्रमुख मेथड होते हैं या इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट से हम किस प्रकार से डायमीटर का मेजरमेंट कर सकते हैं, वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आज का सेशन आपको समझ में आया है तो अपने साथियों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी उम्मीद इसी जोश इसी उमंग के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हंसते रहे मस्त रहे और मनोरंजन के साथ में पढ़ाई कीजिए। राम राम।